बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ग्रिल्ड फिश और वो भी मट्टी के ओवन में। तो इसके लिए मैंने ये स्पेशल फ़िश मंगाई है, काफ़ी बड़ी फ़िश है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनाई जाती है। ये मछली को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए सबसे पहले, बिस्मिल्लाह। अभी इसको काट लेते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मिर्चें, साथ में जाएगा नमक, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दही जाएगा, दो चम्मच इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ खुश्क धनिया। और एक चम्मच इसमें हम फिश मसाला डालेंगे, ये बाजार से मिलता है, स्पेशल मसाला होता है, ये भी इसके अंदर एक चम्मच हम शामिल कर लेंगे। मसाले आप अपनी मर्जी से शामिल कीजिएगा, मसाले इसलिए हमने थोड़े तेज रखे हैं क्योंकि हमारी जो फिश है वो भी काफी ज्यादा है। मसाले को थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। अभी जो हमारे पास फिश है इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल,
की मदद से अच्छे तरीके से सारी फिश को हम लगाएंगे। चाहे तो आप इसको मसाले में शामिल कर लीजिए ऑयल को, ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने लगाया और ये जो सारी फिश है इसको बड़ी अच्छे तरीके से लग चुका है। कोयला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। सरिये हम लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंदूर हमारा बिल्कुल तैयार है, कोयले हमारे बन चुके हैं। अभी फिश को हम मसाला लगाएंगे। मसाले को अच्छे तरीके से लेप कर लिया हमने। नीचे से हम तंदूर को बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल जो है वो ज़रूर लगा लेंगे नीचे। तो अभी हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और ये ख्याल रखना है कि जो पीस हमने सबसे पहले इसके अंदर रखा था उसको पहले हम जो है ना वो उसकी साइड पहले चेंज करेंगे। अभी जो बाकी हमारे पीसेस हैं उनको भी हम मसाला लगा लेते हैं। और ये काफ़ी हीट है क्योंकि कोयले काफ़ी गर्म हैं, तो ये तकरीबन 8 से 9 मिनट हुए हैं, 10 मिनट तकरीबन, तो फिश हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब तैयार हुई है फिश हमारी। माशाल्लाह। अभी हम बकिया फिश भी इसके अंदर रख देते हैं। बिस्मिल्लाह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही जबरदस्त फिश बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।